घर चुपचाप से ये कहता है कि अंदर इसमें कौन रहता है, किस हस्ती की हुई इस घर से शुरुआत, किन लोगों ने थामा था उनका हाथ। सुनते हैं सितारों की जुबानी उस घर की अनोखी कहानी, क्योंकि हर घर कुछ कहता है। मोहम्मद अली रोड मुंबई का एक चेहरा ये भी है। इस जगह की खुशबू एक बार अगर आपके जहन में उतर गई तो आपके रूह में बस जाती है। एशियन पेंट्स हर घर कुछ कहता है में हम इन्हीं गलियों से होते हुए एक ऐसे बचपन के घर का दरवाजा खटखटाएंगे जहां दो भाई एक साथ पले बढ़े, खेले कूदे, खाए पिए और सीखा एक असीम रूहानियत के साथ गाना बजाना। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के असीम फनकार और म्यूजिक डायरेक्टर सलीम सुलेमान। सलीम मर्चेंट का जन्म 3 मार्च 1974 और सुलेमान मर्चेंट का जन्म 21 दिसंबर 1970 को हुआ। दोनों ही भाई मुंबई के मोहम्मद अली रोड स्थित खोजा मोहल्ले में पले बढ़े। पिता सदरुद्दीन मर्चेंट की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की दुकान होने की वजह से संगीत से इनका ताल्लुक बचपन से था। सलीम ने 9 और सुलेमान ने 12 की उम्र से संगीत सीखना शुरू किया। उनका पहला एल्बम रागा रागा काफी सराहा गया। दोनों ने साथ मिलकर कई बड़ी फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया। उन्हें फिल्म फेयर और अन्य कई अवार्ड से भी नवाजा गया। हिंदी सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली संगीतकार जोड़ी सलीम और सुलेमान मर्चेंट। मोहम्मद अली रोड मुंबई के ऐतिहासिक जगहों में से एक है। आज यहाँ की खुशबू सलीम और सुलेमान को फिर से खींच लाई है उनके बचपन की ओर। क्या बात है, सोनिया मिल जा मेले में। बैठिए बैठिए, कमाल है कमाल है भाई। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, हमें स्ट्रिक्टली बताया गया कि भाई सलीम सुलेमान साहब ने कहा है कि हम सुबह नहीं मिलेंगे, रात को मिलेंगे। और मैं सोच रहा था यार मैंने कोई गलती कर दी क्या आजा नचले में। इसका एक चक्कर है। एक बात तो ये है कि हम लोग सुबह उठते नहीं है, और सबसे बड़ा चक्कर ये है कि अगर हम मोहम्मद अली रोड आ रहे हैं और यहाँ पर खाना खाने आ रहे हैं और अगर आपको माहौल देखना है इसकी तो माहौल तो रौनक यहीं पे बनती है। रौनक सूरज डूबने के बाद ही होती है। सही बात, ये मैं समझ गया था। लोग खाने के लिए आते हैं, लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। तो ये कहना वाजिब होगा कि आप लोगों की काफी शामें आपके बचपन में यहाँ पे गुजरी हैं। हम आपको बताएंगे यहाँ के छोटे मोटे जो गली के कबाब, जो स्पेशली जो आपको यहाँ पे कबाब पाओ बहुत फेमस है, फिर शरबत यहाँ का बहुत फेमस है, मैदा रोटी और सेवैयां खाने आया हूं मैं। आपको सब खिलाएंगे, मेरा स्वाद देख रहे हैं आप। तैयार हो? बिल्कुल तैयार है। चलिए दिखाइए अपने रात के गुलजार। थैंक यू। चलिए तो मतलब म्यूजिक फर्स्ट और फूड फर्स्ट। नो खाना नो गाना। वो बोलते हैं भोजन बिना भजन। करेक्ट, सही बात। अच्छा यहाँ पे ये जो एप्पल वाला है, एप्पल शरबत बहुत फेमस। एक बार आप ये शरबत पी लेंगे ना। अच्छा, इसका चक्कर ये है कि यू कैन नॉट हैव वन। वो लटकना चाहिए, जब तक लटकेगा नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। एप्पल लटकना चाहिए। इनके बचपन की मस्तियों का सफर इन्हीं गलियों से शुरू हुआ था। यहाँ पे आने के बाद लगता नहीं कि आप मुंबई में हो। यू डोंट फील इट। गली क्रिकेट जो सब गलियों में फेमस है, यहाँ पे जगह नहीं होती। जगह नहीं खेलने की। करेक्ट। तो बचपन का सबसे पहला पड़ाव है जमात खाना, जहाँ इनके संगीत को सबसे पहले प्रशंसक मिले। बचपन से हम लोग यहाँ पर प्रे करने जाते हैं। फ्राइडेज को यहाँ पर हम लोग स्काउट से, तो फ्राइडे को यहाँ पर ड्यूटी लगती थी हमारी। जैसे ये स्काउट है, वैसे हम लोग एक जमाने में भी स्काउट थे। He passed a lot of badges is what I ऐसे बैजेस जैसे होते वैसे मेरी पूरी स्लीव फुल थी बैजेस। ऑर्केस्ट्रा ऑफिस में डैडी सब हमारे स्काउट्स को सिखाते थे।
तो कोई मैंडोलिन बजाता था, कोई गिटार बजाता था। मतलब ये कहना लाजमी होगा कि आपके संगीत की जो पहली इनिशियल प्राथमिक ट्रेनिंग जो है वो यहाँ से शुरू हुई। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे अंदर जो है वो हमें इस जमात खाने से और इस स्काउट ग्रुप से और हमारी कम्युनिटी से और इस मोहल्ले से मिली है। चलिए तो आप घर चलते हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि उस घर में और भी कोई जब आप लोग नहीं रहते हैं, हम वहाँ नहीं रहते हैं, कोई और रहता है साथ से, वहाँ पर शायद नहीं रहते। अगर कल सवेरे का प्लान बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम कल सुबह मिलते हैं जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आइए। एक गली जो रात को सितारों से भी ज्यादा रोशन रहती है, दिन में इसका रूप बिल्कुल अलग हो जाता है। इस मोहल्ले का इनके संगीत में बहुत योगदान रहा है। कल जैसा लग रहा था ये जी, आज बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। आप सबको बताते हैं, हमने आपको रात को बुलाया था। ये है हमारे नाई, यहाँ पे हम लोग बाल कटवाते थे। मतलब कि यहाँ पर आपकी हजामत होती थी। तो हजामत तक हम लोग यहाँ से निकल गए थे। अच्छा, मगर बाल कटवाने से जरूर आते, बाल कटवाने, और यहाँ पे खेलते थे हम लोग क्रिकेट, गली क्रिकेट, गली क्रिकेट। यस। और ये हमारे अब्बा का वर्कशॉप है, कारखाना। अच्छा, ये है वो कारखाना जुबेदा हाउस, जहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेरे फादर बनाते थे, हमारे फादर। बाहर मोहम्मद अली रोड की चहल पहल और अंदर वर्कशॉप में बनते स्वर। 60 के दशक का ये वही वर्कशॉप है जहां सलीम और सुलेमान के पिताजी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे। बिल्डिंग थोड़ी नाजुक है। हाय, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो जाफर भाई? कैसे हो? वेलकम वेलकम। सलाम अलैकुम। थैंक यू। कैसे हो? वेलकम वेलकम। आप इनसे तो मिले होंगे, जानते होंगे इनको, विनय पाठक। यस। तो जाफर भाई हमारे डॉक्टर भी है और इन्होंने ये जगह भी खरीद ली हमारे से, जो पहले वर्कशॉप हुआ, पहले हमारे फादर का वर्कशॉप था। मेरे फादर जो थे वो हिंदुस्तान में मात्र एक ही थे जो उस जमाने में मैन्युफैक्चरिंग करते थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मैं 70s 80s की बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ इम्पोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स मिलते थे। अगर आपको कोंगा या तो बाहर से खरीदना पड़ता था। तो यहाँ पे मेनली सब लेबरर्स लकड़ी का काम करते थे, घसाई प्लाई वगैरह, तो शेल बनता था। सो वहाँ पे वर्कर्स काम करते थे और यहाँ पे वो बिल्कुल जहाँ पे आप खड़े हो वहीं पे सीट थी, चेयर यहाँ उनकी सीट थी, यहाँ वो बैठते थे। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो घर है। अच्छा, घर ये था या? तो खिड़की से मम्मी के साथ में इशारों से बात भी कर लेते थे कि मैं चाय चढ़ाइए, मैं अभी आता हूँ। अपने बचपन से आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनते थे जी, आपके वालिद साहब बनाते थे जी, ये आपका फैमिली बिजनेस था जी, और अब आप म्यूजिशियंस हैं। ये कितनी मदद मिलती है आपके संगीत को? मतलब शुरुआत तो हमारी वहीं से हुई है, क्योंकि जब हम यहाँ पे आते थे या डैडी को देखते थे ऑर्केस्ट्रा में रिहर्सल करते हुए या प्रैक्टिस करते हुए, तो हम उन्हें देखते थे। ही वॉज अ वेरी डायनामिक पर्सन और मेहनती बहुत, और बहुत मेहनती थे। और डैडी कभी कभी रात को 11-12 बजे डैड वुड बी सिटिंग हियर, वो एक छोटा सा फाइल लेके ही वुड बी क्रिएटिंग अ डाई। इन दैट वे ही वॉज वेरी इनोवेटिव, वेरी डायनामिक। आप लोगों का बचपन में कितना वक्त गुजरा है इस माहौल में? हम लोग दोनों काफ़ी स्कूल के बाद आ जाते थे, बिल्कुल छोटे थे तब, वो नट्स वाइसर्स एंड स्क्रूज वो प्लेटिंग करके आते थे, तो वो ऐसे गुनी में आते थे। डैडी हम लोग को बिठा देते थे, गुनी खोल के दे देते थे, इनको सबको सेपरेट करो, तो हमारे लिए काम बन जाता था, एक्टिविटी हो जाती थी और इंटरेस्ट भी बनी रहती थी। और यहाँ पे देखते रहते थे हम लोग कैसे पेंटिंग कैसे हो रही है और वो कैसे होता है। बड़े होते थे वैसे थोड़ा हाथ भी साफ कर, ऑल दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स यू नो जो हम सुनते थे वो हाथ साफ यही हो जाते थे। सलीम और सुलेमान को अपने पिता से सिर्फ संगीत ही नहीं, जीवन के पाठ भी विरासत में मिले। कम उम्र से संगीत सीखते हुए काफी लोग बड़े हुए होंगे, लेकिन सलीम और सुलेमान उन लोगों में से हैं जिन्होंने म्यूजिक सीखने से पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना सीखा। बाहर के हो हल्ले से दूर इसी घर में इन दो फनकारों का जन्म हुआ था। आज कई सालों बाद ये फिर से लौटे हैं अपने आशियाने में। देखिए कैसा लग रहा है आपको? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंट्रेंस शानदार, शानदार एंट्रेंस। वाओ, लंदन में जैसे कहते हैं ना कि माइंड योर स्टेप, करेक्ट, वो एक्चुअली यहाँ से शुरू है। माइंड योर स्टेप नहीं है ये, दिस इज माइंड द गैप। जस्ट टेक माय ड्रिंक।
आज के इस सफर में हम मोहम्मद अली रोड के उन पहलुओं से रूबरू हुए जिनसे सलीम और सुलेमान के संगीत को प्रेरणा मिली, जमात खाने के सुकून और अब्बा की वर्कशॉप में बनते इंस्ट्रूमेंट के सुरों से भी मुलाकात की, और अब उस जगह की ओर रुख करते हैं जहां उनके संगीत की नींव रखी गई। और ये जब छोटा हो गया था मैं बहुत रोया था, बोला मुझे इसमें ही फिट होना है। ये मेरे फादर है और ये मेरी मम्मी। ये हमारा ऑर्केस्ट्रा था, CJS मतलब चीफ जमात खाना स्काउट्स, ये हमारा ऑर्केस्ट्रा था। और ये हमारा फेमस चौपाटी की पानीपुरी। स्टूडियो वी वाज़ टू वर्क इन, बहुत सारा काम किया है स्टूडियो में। स्कूल पिक्चर्स, ये मेरा है, मेरे क्लास का फोटो है। तस्वीरों ने दिल के कई तार छेड़ दिए, जो यादें इस चार दीवारी में इतने सालों से कैद थीं, आज दोबारा जी उठी हैं। ये डैड का क्रिएशन था। सुपर। तो ये आप कहाँ से खोज के लाए अपने घर में भाई? ये मैं मम्मी के रूम में गया था थोड़ी यादें देखने के लिए। ये हमारा लिविंग रूम था जिसको हम पहले दीवान खाना हमारा कीबोर्ड का सेटअप हुआ करता था यहाँ पे, और मेरा सेटअप वो विंडो के कोने में, और यहाँ पर हम लोग हमेशा बैठते थे, साथ में डिनर करते थे, पूरी फैमिली जॉइंट फैमिली में रहते थे, यानी मेरे फादर, मेरी मम्मी और मेरे फादर के जो बड़े भाई हैं उनकी फैमिली। जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं जी। तो आपकी अगर रुचि संगीत में है तो किसी और की रुचि कहीं और होगी, कोई पढ़ने वाला होगा जी, जी, जी। जरूर, मतलब कजिन्स में कॉन्फ्लिक्ट हुए होंगे यार जब देखो टुनटुना बजाता रहता है। नहीं, एक्चुअली हम लोग दोनों सबसे छोटे थे और सबसे ज्यादा लाडले, और सबसे लाडले थे। निकल लिए गुरु, तो निकल लिए बस वही। तो हमने जो मांगा उस समय हमें मिल गया। हमारी फैमिली हमारे से खुश भी थी कि हम लोग 15-16 साल में काम शुरू कर दिए। देयर वाज एन एनवायरनमेंट ऑफ अ गोल हमारे लिए, वी नीड टू डू दिस, और हमें ये करना है और वो करके रहेंगे। मतलब हुनर के अलावा जुनून भी है। वो जुनून था और कॉन्फिडेंस भी बहुत था, सिर्फ हमें नहीं बट हमारी फैमिली वालों में कॉन्फिडेंस था हमारे लिए। मैं क्या पूछ रहा था कि यहाँ हम लोग बैठे हैं जी, कितनी शांति है, सुकून है, और हम सबको ये आभास है कि बाहर जो कोलाहल है वो मोहम्मद अली रोड का कोलाहल, वो कोई ऐसा साधारण सा केओस नहीं है। कंट्रीज बिगेस्ट मैग्नेट। इसके अलावा एक उतना ही बड़ा सच ये भी है कि आप एक ऐसे नेबरहुड में हैं जहाँ हर गली में एक भाई है। भाई आपके लिए उन चीज़ों का भय डर कितना लाजमी है, कितना रियल है और कितना एवरीडे लाइफ है? एक्चुअली डर नहीं था यहाँ पर, बट एक ऐसा एहसास था कि अगर हम लोग यहाँ पर रहेंगे तो शायद आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ की लाइफ कुछ अलग है। लेकिन संगीत इतनी पावरफुल फोर्स है, हमें यू नो कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि हम ऐसी जगह है जहाँ पे इतना इतनी कुछ। और ये मोहल्ले की एक उसमें इसकी रौनक भी है, हर त्यौहार में यहाँ पे जिस तरह से एक दूसरे से भाईचारे से मिलते हैं, और कुछ कुछ बातें हैं वो बहुत अच्छी है जो हम जब छोड़ के जब हम खार चले गए तो हम मिस करते थे यू नो। मैंने सुना है कि आपकी माता जी, जब आप लोग यहाँ से निकले तो आपकी माता जी नहीं गई आपके साथ जी। उसका एक रीज़न ये है कि मम्मी और मेरी बड़ी मम्मी और मम्मी का जो कॉम्बिनेशन था, इतने सालों से एक दूसरे के साथ रहे हैं वो। They were like the best of friends. तो ले जा रहे थे मम्मी को और बड़ी मम्मी ने बोला कि आप मत जाइए, तो मम्मी रुक गई। And she didn't go. फिर बड़े पापा चले गए, डैड बिकेम द हेड ऑफ द फैमिली। डैड का इंतकाल हो गया, मम्मी को मैंने कहा मम्मी अभी तो कुछ नहीं है, आप आ जाओ वहाँ पर। She said no. फिर
काफ़ी वक्त लगा हमें मम्मी को यहाँ से वहाँ लेके आने। यानी जब मेरी बड़ी मम्मी का इंतकाल हुआ उसके बाद ही बाद ही आपकी मम्मी को आप लोगों का सबसे फेवरेट कॉम्पोजिशन कौन सा लगा? अली मौला वो उनका रिंगटोन हुआ करता था। अरे आज भी एक्चुअली मैंने फ़ोन नहीं किया मम्मी को बहुत टाइम से, लेकिन ऑब्वियसली शी इज़ नो मोर, लेकिन मेरे ख्याल से शायद वो करूँगा तो वही हो। पर मैं हमेशा मम्मी को फ़ोन करता था तो मैं अपनी आवाज़ सुनता था, क्योंकि वो गाना मैंने गाया है, मेरी मम्मी का स्पेशल सॉन्ग था वो। हिम्मत अदा करो ओ मददगार, आप ही हो कुवत परवरदिगार, मौला अली मौला। थैंक यू। मुंबई के एक ऐसे इलाके में सलीम और सुलेमान का जन्म हुआ जिसका अपना अलग व्यक्तित्व है, जमात खाना हो, अब्बा का वर्कशॉप हो या फिर उनके बचपन का घर, उनके संगीत पर हर जगह की छाप है। अब उस जगह का रुख करेंगे जहां उनका पहला बैंड संगठित हुआ था। आइए सब, आइए। फुटबॉल खेलते थे यहाँ पे यार, क्या याद आ रहा है सब। Yes, this was the primary class. तो यहाँ सुबह कितने बजे पहुँच जाते थे आप? सुबह उठने का वो हमेशा का एक सुबह की तो हमारी हिस्ट्री थी, मम्मी उठाती थी 7:30 बजे, और 7:30 बजे उठते थे हम लोग, फिर नहीं उठना है, नहीं उठना है तो बैठती मिलती थी, फिर से सो जाते। फिर एग्जैक्टली 8:30 बजे मम्मी ऐसे ऑलमोस्ट डंडा लेके आती थी, गेट अप नाउ गो, फिर हम लोग निकलते। तो यहाँ पहुँचने के बाद मतलब सलीम और सुलेमान आज एक सफल संगीतकार जोड़ी हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि उनका पहला बैंड उनके इसी स्कूल में बना था। हमारी स्कूल में एक बैंड हुआ करता था एंड मिस्टर लिंग यूज्ड टू लीड द बैंड। मैं बहुत आभारी हूँ मिस्टर लिंग का, बिकॉज ही एक्चुअली स्टार्टेड द होल फायर विच इज बर्निंग राइट। तो अब हमें ये बताइए कि इन दोनों में से पढ़ने में तेज कौन था, क्योंकि ये तो नहीं बताएंगे हमें। और ये बहुत चुलबुले नटखट बदमाश, हमको और आपको दोनों को पता है हम अच्छे हैं। अच्छा, लेकिन अक्सर होता है ना स्कूल में कि आपने एक ऐसी शरारत की है जो आपको भी पता है कि किसी को पता नहीं चला। तो आई थिंक राइट नाउ इज द टाइम टू कन्फेस। वी वर इन द 10th स्टैंडर्ड और हमारी 10वीं की क्लास खत्म हुई थी। हमारा स्कूल तभी फ्रेश पेंट हुआ था और हम लोग वो जोश में कि स्कूल खत्म हो गया, ये स्कूल से अब कुछ नहीं चाहिए। हम लोग वो बड़े बड़े एंकलेट्स पहनते थे, तो ऐसे भाग के डेस्क के ऊपर पैर रख के भम अपने पद चिन्ह आप लगा रहे थे। पद चिन्ह कि अब उसमें मसला ये हो गया कि प्रिंसिपल साहब की जो लड़की थी वो टाइम पे वो हमारी क्लास में थी। टीचर्स, होमवर्क, एग्जाम जो उस वक्त बोझ थे आज एक हसीन किस्सों का हिस्सा बन गए हैं, और इन्हीं किस्सों में एक अहम कड़ी है स्कूल के दोस्त। दीस गाइस आर माय यू नो आज मेरे साथी है, और हम पहले से तब से किंडरगार्टन से लेके 10th स्टैंडर्ड तक हम साथ में थे। तो ये कोएड स्कूल है, तो आई एम श्योर कि मतलब कोई ऐसा नाम, कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसी खूबसूरती रही होगी जो कभी कभी होता है ना दोस्तों में, मतलब दसों को पसंद है या तीनों को पसंद है। आई थिंक ये टॉपिक यही करते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ थोड़ा। टीचर के लिए आदर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ, पहली बार मुझे इश्क हुआ तो ये स्कूल में हुआ, और जब मैं हर एक कोना देखता हूँ स्कूल का तो मुझे बस पहला नशा। दोस्ती वक्त की एक हसीन सौगात है,
इसमें जो पल साधारण हैं, दोस्तों के आते ही उन्माद से भर जाते हैं। Are you enjoying St. Peter's School? We used to gather here for assembly and have so much fun. I'm so happy to see you all. This is the best school in the whole world. Thank you. इस स्कूल से निकले ये दो बच्चे दुनिया भर को अपनी ताल पर नचा रहे हैं। और इस संगीतमय सफर में एक आखिरी तान छेड़नी अभी बाकी है। एक्चुअली एक और जगह हम आपको बताना चाहते हैं, वो जगह हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। हर संडे डैडी हमें वहाँ पर ले जाते थे और ये जगह है चौपाटी। अच्छा, हम लोग हमेशा वहाँ पर जाते थे, पानी पूरी, थोड़ा सा मुच्छड़ का पान खाए, और वहीं पे एक छोटा सा बाकड़ा था जहाँ पर छोटे छोटे खिलौने मिलते थे। तो हर संडे हम जाकर एक खिलौना कैसे कोई अनूठी खुशबू किसी जगह की पहचान बन जाती है, कैसे कोई अनोखा सुर किसी घर की जान बन जाता है। हर घर की अपनी एक कहानी होती है और उसी का असर है कि आज सलीम और सुलेमान हिंदी सिनेमा के सफल संगीतकारों में से एक हैं। अगले हफ्ते एक और घर की रुमानियत एशियन पेंट्स हर घर कुछ कहता है में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। ये थी इनके घर की कहानी। लॉग ऑन करें asianpaints.com/घर पे और हमें ये बताएं कि क्या आपने भी अपना घर किसी अपने के लिए बदला है। आप जीत सकते हैं एशियन पेंट्स की तरफ से एक्साइटिंग प्राइजेस।